यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। गुरुग्राम में हुड्डा आवास पर राहुल गांधी की रैली को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान हमारे संवाददाता अनिल मौर्य ने खास बातचीत की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर आज काफी अहम बैठक हुई। बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद हमारे साथ मौजूद है। हुड्डा साहब, आज बैठक हुई है, 29 तारीख को राहुल गांधी की रैली होने वाली है, तो बैठक में क्या कुछ रणनीति बनी? ये हमारे विधायक साथी आए थे, सभी ने अपने अपने हल्के से जिम्मेवारी दी है कि ज्यादा आदमी आएंगे और 17 तारीख को फिर यहाँ भी फिर से उनकी बैठक होगी और उसमें पूरे रैली को कामयाब करने के लिए एक चर्चा पूरी हुई है। अगर मुद्दों की बात करें जो 29 तारीख को जो मंच रहेगा, मंच पे कौन कौन से मुद्दे काफ़ी अहम रहने वाले हैं? मेन मुद्दा तो एक ही है कि राहुल गांधी जी का कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बड़ी ये जनसभा होगी और उसमें सभी मौजूदा सरकार की विफलताएँ, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनके बारे में राहुल जी अपने भाषण में सभी बताएंगे। अगर देखा जाए दिल्ली में कोई भी अगर रैली होती है तो कामयाबी के लिए हरियाणा सबसे पहले आता है, क्योंकि हरियाणा के बिना दिल्ली में रैली कामयाब होना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे में जो जिम्मेदारी हरियाणा को मिलेगी वो कितनी अहम है और हरियाणा उस जिम्मेदारी पर कितना बखूबी उतर पाएगा? हरियाणा अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएगा और जो रैली होती है उसमें सारे प्रदेशों से आते हैं, हरियाणा से भी, राजस्थान से भी, पीछे दूर दूर के भी आते हैं उसमें, और रैली कामयाब होगी। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, इनका यही कहना है कि जो राहुल गांधी की रैली होगी, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरा जाएगा, साथ ही एक बड़ी रैली कामयाब रैली कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। कैमरामैन जीतू के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक।